अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। होप यू आर फाइन एंड आवर प्रे इज ऑलवेज फॉर यू पीपल एंड आई होप कि यू विल आल्सो प्रे फॉर वी बिकॉज वी आर फेसिंग दिस पेंडेमिक दिस टाइम। सो वी शुड प्रे फॉर ईच अदर एंड वी शुड एटलीस्ट प्रे फॉर आवर मुस्लिम्स ऑल्सो। एंड नाउ आवर टूडेज टॉपिक इज फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक इज द ग्रीडी बार्बर्स। ग्रीडी बार्बर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टॉपिक। ग्रीडी मीन्स जो लालची होते हैं, जिनमें लाल जो होता है कूट कूट के भरा होता है, उनको हम ग्रीडी कहते हैं। एंड बार्बर मीन्स बार्बर इज अ पर्सन हूज ऑक्यूपेशन इज मेनली टू कट ड्रेस ग्रूम स्टाइल एंड शेव मैन एंड बॉयज हेयर। बार्बर हम उस इंसान को कहते हैं जो शेव करता है किसी मैन को, किसी बॉय को, जिसका एक ऑक्यूपेशन होता है, वो बाल काटता है, वो जो ये दुल्हे होते हैं उनको संभालता है, उनके बाल संभालता है, उनको ड्रेसअप करता है, उसको हम बार्बर कहते हैं। और इसी एक बार्बर की कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बार्बर हु इज वेरी ग्रीडी, जो बहुत लालची होता है, उसको हम इसी की स्टोरी हमें इस लेसन में पढ़नी है। एंड देयर आर सम अदर वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। एंड द वर्ड्स आर अंटरी, कजन्स, स्ट्रेच, ग्रासोपर, बाबर, हेवन, ग्रीडी एंड फूल। आई विल डिस्कस द वर्ड्स वन बाय वन। अंटरी मीन्स लूज, जो लूज होता है उसको हम अंटरी कहते हैं। कजन्स मीन्स अंकल चिल्ड्रन, जो हमारे अंकल के बच्चे होते हैं उनको हम कजन कहते हैं। स्ट्रेच मीन स्प्रेड आउट, अपनी बाहें फैलाना, ऐसे उसको हम स्ट्रेच कहते हैं। बार्बर ग्रास होपर जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। एंड अनदर इज बार्बर, बार्बर हम बोलते हैं उस इंसान को जो जिसको ऑक्यूपेशन क्या होता है, जिसको ऑक्यूपेशन ये होता है कि वो ही इज मेनली टू कट द ड्रेस ग्रूम स्टाइल एंड शेव मैन एंड बॉयज हेयर। हेवन इज अ कॉमन रिलीजियस कॉस्मोलॉजिकल एंड ट्रांसेंडेंट supernatural place where beings such as gods, angels, supreme saints and are said to originate. Heaven हम अपनी language में कहते हैं जन्नत को, जहाँ पे कौन से लोग होते हैं, gods होते हैं, angels होते हैं, supremes होते हैं, saints वगैरह पाए जाते हैं, उस जगह को हम heaven कहते हैं, जिसको हम अपनी language में जन्नत कहते हैं। हाँ, कोई चीज ऐसी हो जो हमें बहुत अच्छी लगे, जहाँ पे हमें सारी facilities available हो, हम उस चीज को भी जन्नत से कंपेयर कर सकते हैं, हेवन से कंपेयर कर सकते हैं। Another is greedy. Greedy is the most important word in this lesson because the lesson is about the greedy barbers. Okay? Greedy जो है having an excessive desire. अगर आपके पास कुछ है, आपको चाहत होती है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की। For example, आपके पास 10 रुपया है, आप ये चाहते हो, आपकी ये चाहत होती है, क्योंकि this is the nature of a man or we can say this is the nature of human. क्योंकि इंसान को जो चाहत होती है, अगर इसके पास 100 रुपया है तो कल वो चाहता है कि उसके पास 200 हो। अगर 200 होंगे तो उसके दूसरे दिन वो चाहेगा कि मेरे पास 1 लाख हो। अगर 1 लाख होगा तो वो ये भी चाहता, उसकी ये भी डिजायर होती है कि उसके पास और भी सारे, मतलब दुनिया की सारी दौलत हो। और ये इंसान का नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ अ मैन। लेकिन ज्यादा में इंसान को लालची होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसी लेसन से यही मोरल मिलता है। हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इंसान की जो लालच होती है वो उसको लास्ट में ले डूबती है। ज्यादा लालच भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। एंड अनदर वर्ड इज फूल, अ पर्सन हु एक्ट्स अनवाइजली, वो इंसान जो दानाई के बगैर जो होता है, जो कुछ ऐसे एक्ट्स करता है, इंसान को लगे कि ये आदमी जो है ये बेवकूफ है, जिसको हम बेवकूफ कह सकते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स अनवाइजली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन एंड द लेसन इज अबाउट अ बार्बर। वन डे अ बार्बर वेंट इनटू हिज वेजिटेबल गार्डन, एक दिन बार्बर क्या गया था एक वेजिटेबल गार्डन में। एंड ही वॉज फुल ऑफ ग्रीन, इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन पीस। वो जो वेजिटेबल गार्डन था उसमें बहुत सारे पीस थे, लेकिन वो पीस क्या होते हैं, ग्रीन कलर के थे, जो हम खाते हैं ना पीस, ना मटर जिसको हम कहते हैं। वह उस गार्डन में बहुत सारे पीस थे, यानी कि वो पीस का गार्डन था। ही पिक्ड द पीस एंड पुट देम इन अ बिग बास्केट। हाँ, उसने वो पीस सारे उठाए और बास्केट में रखे। लेकिन देयर ही सॉ अ ग्रास होपर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज ग्रास होपर, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट बट इट्स कलर इज ग्रीन। और ये जो करता है ये हॉप करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए he hops from one place to another place, और वो हॉप करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। हा? और ग्रास ऊपर, उसने वहां एक ग्रास ऊपर देखा है, बट ग्रास ऊपर वॉज ईटिंग पीस। वो क्या खा रहा था, पीस खा।
था, ये बार्बर जो था, ये किसान जो था, ये जब अपने फॉर्म में चला गया, अपने इस गार्डन में चला गया जहां पे बहुत सारे पील्स थे, तो इसने इस ग्रासपर को बोला, आप मेरे पील्स क्यों खा रहे हो, आर ईटिंग माय पील्स, दिस इज माय गार्डन, यू कांट ईट दिस पील्स बिकॉज यू विल जस्ट गिव मी द, आप मुझे इसका नुकसान कर रहे हो, तो आपको ये पील्स नहीं खाने चाहिए. हाँ, एंड ही रैन अप टू एंड इट एंड कॉट इट एंड बाइट इट्स टेल. हाँ, ये फार्मर जो था, ये बार्बर जो था, ये इसके पीछे चला गया और इसने इसको आखिर में इसने इसको पकड़ ही लिया. बाइट इट्स टेल, क्या पकड़ी इसकी टेल, इसकी जो पूंछ थी इस बार्बर की, सॉरी इस ग्रास हॉपर की, इसने वो पकड़ी और इसको पकड़ लिया. हाँ, द ग्रास हॉपर सडनली फ्लू अप, ये फ्लू ऊपर चढ़ा गया, ग्रास ऊपर जो है ऊपर उठता गया. द बार्बर वेंट विद हिम सून द रिचर्ड इन टू द हेवन, ये बार्बर जो था जिसने इसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, इसके टेल पकड़ी हुई थी, ये इसी के साथ हेवन में पहुंच गया. हेवन मीन्स अ प्लेस वेयर यू कैन सी द गॉड्स, एंजल्स, सेंट्स एंड एटसेट्रा. हाँ, तो जहां पे आपको लगे कि वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज जितने भी आपके लिए चाहिए होंगी वो आपको मिलती है, दैट इज प्लेस कॉल्ड हेवन. तो जब बार्बर वहां पहुंच गया तो ये हैरान रह गए कि भाई कौन सी जगह है ये प्लेस, ग्रास ऊपर ने मुझे कहां पहुंचा दिया, ये क्या जगह है, कौन सी जगह है. हा? सो जब ये वहां पहुंच गया तो वहां का जो किंग था, वहां का जो गॉड था इनका, हेवन में जो किंग था इनका, गॉड्स का किंग था, तो इसने इस बार्बर को कहा, वी हैव नो बार्बर्स हियर, हमें यहाँ कोई बार्बर नहीं है, सो कैन यू बी हियर डू ए जॉब ऑफ ए बार्बर हियर, क्या आप यहाँ बार्बर का जॉब कर सकते हो, क्या आप हमारे बार्बर बन सकते हो, आई विल गिव यू लोट ऑफ मनी. हाँ, तो आवर हेयर इज अनस्टेडी, लुक एट अवर बियर्ड, देयर बियर्ड इज सो लॉन्ग. बियर्ड हम बोलते हैं दाढ़ी को. हाँ, बियर्ड जो होती है ना, दाढ़ी इंसान की, इनकी होती है मेंस की दाढ़ियां जो होती है उसको हम बियर्ड कहते हैं. हाँ, देयर डियर बियर्ड्स वेयर अनस्टेडी एंड देयर हेयर वेयर सो लॉन्ग एंड अनस्टेडी. हाँ, तो उस बादशाह ने इसको कहा कि आप प्लीज हमारे लिए यहाँ बार्बर का काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बार्बर अवेलेबल नहीं है. सो इस बार्बर जो है ये राजी हो गया, ही एग्रीज विद द गॉड, ही एग्रीज विद द किंग ऑफ द गॉड्स. तो वो राजी हो गया उसकी बात से, किसकी बात से, बादशाह की बात से वो राजी हो गया. एंड द किंग वर वेरी हैप्पी, द गॉड ऑफ किंग्स, द किंग ऑफ गॉड्स वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी द, ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस बार्बर. वो इस बार्बर के साथ बहुत खुश था कि ये मान गया, इसने यहाँ मानना, मतलब इसको ये एग्री हो गया इस बात से. हाँ, तो पहले बादशाह ने कहा कि पहले मेरी ही बियर्ड को आप ठीक कर दो, इसको थोड़ा सा शेव कर दो वगैरह, यू कट माई हेयर एंड शेव ऑफ माई बियर्ड. हु सेड बार दिस किंग ऑफ गॉड्स, हाँ, आई विल गिव यू अ गोल्ड कॉइन, तो मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दूंगा, द कॉइन दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड. कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, लेकिन वो किसकी होती है, वो गोल्ड की नहीं होती है. इसने इसको कॉइन दी, लेकिन गोल्ड की कॉइन दी, कौन सी कॉइन दी, कॉइन ऑफ गोल्ड. एंड ये बार्बर जो था ये बहुत खुश हो गया. हा? The barber कर दे हेयर ऑफ 37 gods, और इसी तरह से इसने कितने बार्बर ने कितने का हेयर कट किया है, 37 gods का. Each one of gods gave him a गोल्ड कॉइन. सो सारे गॉड्स ने इसको क्या दिया, एक एक गोल्ड कॉइन दिया. तो आप इसके पास कितने कॉइन्स हुए, 37. एंड इसने बैग फुल किया, जो इसका बैग था जिसमें ये पीस लाता था, इसने बैग फुल किया ये गोल्ड कॉइन से, और गुड बाय सेड द गॉड्स, प्लीज कम अगेन. तो इसने गॉड्स को गुड बाय बोल दिया और चला गया, लेकिन गॉड्स ने बोला कि यू प्लीज कम अगेन, या यू प्लीज विजिट द प्लेस अगेन. After some time, the grasshopper flew down from the heaven. एक बार कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, grasshopper जो है वो फिर से क्या आ गया, वहां से नीचे आ गया. The barber again caught his tail and down he came to the earth. तो grasshopper जो है फिर से heaven में आ गया और इस barber को कहां ले गया, अपनी दुनिया में, जहां से आया था, जहां से barber आया था इसने इसको अपनी दुनिया में लिया. हाँ, एंड उसके बाद क्या हुआ कि द बार्बर गेट होम विद हिज बैग फुल ऑफ गोल्ड एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी, वी फील वेरी प्राउड ऑफ हिज हस्बैंड. उसकी बीवी को लगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड जो है कितना अच्छा काम इन्होंने किया है, इन्होंने पैसे भर भर के लाए हैं, क्यों तो ये लालच में आ गए हैं. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट ऑल दिस मनी, द ब्रदर्स ऑफ बार्बर्स आस्क्ड हिम. इसके बार्बर के और भी सारे भाई थे, उन्होंने इसको बोला कि आपने पैसे कहाँ से लाए हैं, ये पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए. सो बार्बर टोल्ड देम द होल स्टोरी. हाँ, they told the story to their uncles and cousins. They were barbers too. They held a meeting and they उन्होंने एक मीटिंग की. उन्होंने क्या किया कि अब हम भी जाएंगे कहाँ,
हेवन में, ताकि हम भी वहां बहुत सारे पैसे कमा सके, क्योंकि इनमें भी लालच आ गया कि अगर इस बार बार पीएस इतने पैसे हैं तो हमारे पास कितने होंगे हम। और सारे कहां गए, गार्डन में, दे वेंट टू द गार्डन एंड पिक्ड पीस, और वो पीस उठाने लगे। आफ्टर सम टाइम द ग्रास ऊपर केम डाउन, ये पीस उठाते रहे लेकिन ग्रास ऊपर फिर से आ गया। द फर्स्ट बार्बर रेन एंड कॉट द टेल, पहला बार्बर गया, उसको पता था ना ये स्टोरी क्या थी कि बार्बर पहले हमें गार्डन में जाना है, फिर वहां ग्रास ऊपर आएगा, फिर हमें उसकी टेल पकड़नी है, फिर वो हमें हेवन में ले जाएगा। तो एक बार्बर ने जब उसकी टेल पकड़ी तो दूसरे जो आए, दूसरे ने दूसरे बार्बर की टांग को पकड़ा। हाँ, इसी तरह से ये बहुत सारे आ गए। सेकंड बार्बर रेन एंड कॉट द फर्स्ट बार्बर्स लेग, द थर्ड बार्बर काट द सेकंड्स लेग, इन दिस वे 51 बार्बर्स वेंट अप इन द स्काई। इस तरह से इन्होंने एक चेन बनाई है और ये आसमान में ऐसे ही चले गए, इसके पीछे ग्रास ऊपर के पीछे। हाँ, देयर वर 51 बार्बर्स इन द विद द ग्रास ऊपर नियर द गेट ऑफ हेवन, जब हेवन में चले गए, जब हेवन के पास पहुंचने वाले थे। एंड यंग बार्बर आस्कर्ड एंड द फर्स्ट बार्बर, एक बार्बर ने एक फर्स्ट बार्बर से कहा, विल यू गेट अ लॉट ऑफ गोल्ड, क्या आपको वहां बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। द फर्स्ट बार्बर सेड, पहले बार्बर ने कहा, हाउ मच डू यू वांट, आप कितना चाहते हो। सो मच ही सेड, आई वांट सो मच, एंड स्ट्रेच्ड हिज बोथ हैंड्स, डाउन केम ऑल द ग्रीडी फूल्स। उसने जब अपनी ऐसे बाहें खोली, क्योंकि ग्रास ऊपर को उसने पकड़ा हुआ था तो वो सारे उसके पीछे जा रहे थे, जब उसने अपने ऐसे अपनी बाहें खोली तो ग्रास ऊपर तो चला गया ना उसके हाथ से। हाँ, और जब उसने अपनी बाहें खोली तो सारे नीचे गिर गए, सारे फूल्स जो है, ये बेवकूफ लोग जो थे, सारे नीचे गिर गए आसमान से। तो इसका मोरल हमें क्या मिलता है कि ग्रीड इज बैड, मोरल ऑफ द लेसन इज ग्रीड इज बैड। The moral of the lesson is greed is bad. आपको लालच ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लालच करते हो तो फिर इंसान को क्या होता है, वो उसको पसंद में कामयाब नहीं होता है। This is the moral of the lesson. Thank you. I hope you understand it.